अगर आप मसल बिल्डिंग पर थोड़ा भी बहुत ध्यान देते हैं और जिम वगैरह में जाकर पसीने बहाते हैं तो आपको किसी ना किसी ने एक बार ही सही लेकिन मछली का तेल खाने की सलाह जरूर दी होगी और आप में से ज्यादातर लोगों ने इस बात को सुनते ही नजरअंदाज कर दिया होगा। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मछली के तेल में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो बॉडी से लेकर स्किन तक हर एक चीज में जादुई तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज ले लेंगे तब भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर आपको मछली के तेल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता तो वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको न केवल इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे बल्कि ये किस तरह से बनाया जाता है ये भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों मछली का तेल हमें किराने की दुकान पर सरसों या फिर रिफाइंड तेल की तरह प्लास्टिक की बोतल में या फिर पैकेट्स वगैरह में नहीं मिलता है। ये बहुत ही महंगा होता है जो कैप्सूल के रूप में किसी गिनी चुनी मेडिकल शॉप में ही मिलता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मछली का इस्तेमाल होता है तो आपको बता दें कि इस तेल को बनाने के लिए मछली के टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA एसिड होता है जो सही मात्रा में लेने पर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी हफ्ते में एक बार मछली खाने की सलाह देता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि मछली के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है वो वजन घटाने से लेकर हमारे स्किन बालों और हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। साथ ही इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, खासतौर पर हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। ओमेगा 3 के लिए ही मछली को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि मछली से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3 से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जरा संभल कर क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर फैक्ट्रियों में मछली का तेल कैसे बनाया जाता है। असल में दोस्तों फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है नदियों और समुद्रों से जहां से मछलियों को पकड़कर लाया जाता है और ये कोई ऐसी वैसी मछलियां नहीं होती बल्कि खास मछलियां होती हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में ये तेल मौजूद होता है। इसके लिए मछली का तेल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स खास तरह की मछलियों का चयन करते हैं और मछुआरों से इन मछलियों को खरीदते हैं जिन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए एक सीमित टेम्परेचर में रखकर ताकि मछलियां खराब ना हो फैक्ट्रियों में लाया जाता है। इसके बाद वहां पर इनकी अनलोडिंग करी जाती है और सभी मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है और फिर पानी के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए 90 से लेकर 95 डिग्री तापमान में रखा जाता है ताकि मछली के अंदर जितनी भी अशुद्धियां वगैरह हैं वो सब मर जाएं। इतने अधिक तापमान में मछलियों को उबालने से वो सॉफ्ट भी हो जाती हैं। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी मछलियों को स्क्रू की तरह घूमने वाली एक स्क्रू प्रेस मशीन के अंदर डाला जाता है। असल में ये मशीन मछलियों को अच्छी तरह से प्रेस करने का काम करती है जिसकी वजह से मछलियों के अंदर मौजूद जितना भी पानी होता है वो अलग हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग जगह पर निकाल लिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से और इसे ज्यादा सूखने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर करीब 75 डिग्री सेल्सियस पर इसे और अच्छी तरीके से सुखाया जाता है और फिर इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक ग्राइंडर में भेजा जाता है जो उसे जरूरत के हिसाब से अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेता है और फिर इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये काफी गर्म हो जाता है जिसके कारण जो पूरा मटेरियल होता है उसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है। अब ठंडा होने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ पर जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अच्छी तरह से अलग कर दिया जाता है और इसी दौरान जरूरी पार्टिकल्स की क्वालिटी को भी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है ताकि कोई भी गलती ना हो। क्वालिटी चेक करने का जिम्मा फैक्ट्री में सबसे अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के ऊपर होता है क्योंकि मछली का तेल न केवल जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स और स्पोर्ट्समैन द्वारा प्रयोग में किया जाता है बल्कि सामान्य लोग भी इसका सेवन करते हैं। इसलिए इसमें करी जाने वाली छोटी से छोटी गलती बहुत ही बड़े अंजाम तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि सारा काम सावधानी से किया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की जिसे शुरुआत में ही प्रेसिंग मशीन के द्वारा अलग कर लिया जाता है क्योंकि अब उस लिक्विड को सबसे पहले तो फिल्टर करने का काम होता है ताकि उसके अंदर जितने भी सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो अलग हो जाएं और यह लिक्विड पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। और इस फिल्टर्ड लिक्विड को पहले तो एक टैंक में गर्म और फिर एक सेंट्रीफ्यूग टैंक में भेज दिया जाता है जहाँ लिक्विड में से प्रोटीन वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है और जब वो प्रोटीन वाटर लिक्विड से निकल जाता है तो उसे अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। अब बारी आती है लिक्विड को पूरी तरह से कंप्यूटराइज वेपराइज में भेजने की जिसके बाद जो भी सोल्यूबल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन मौजूद होता है
और फिर इन सभी प्रोसेस के बाद ऑयल को एक ऐसे एरिया में भेजा जाता है जहां पर जल से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसके लिए इसे खास तरह के लिक्विड में नहलाया जाता है जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ही ज्यादा ढीली होती है, लेकिन फिर जैसे इसमें लगा ऑयल धीरे धीरे रिमूव होता है तो ये हार्ड होता चला जाता है और फिर इन कैप्सूल्स को उठाकर बाद में अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अब इसके बाद मशीन इन कैप्सूल्स को काउंट करने के बाद साथ ही साथ इनकी क्वालिटी भी चेक करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मछली का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन मछली के तेल की कैप्सूल बनाई जाती है और फिर उनकी क्वालिटी चेकिंग करी जाती है। क्वालिटी चेकिंग के हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद उन्हें ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लॉन फिश ऑयल, सप्लीटेड फिश ऑयल और विंट्री जेड फिश ऑयल। अब बारी आती है बोतल में पैक करने की, जिसके लिए लेबल लगी बोतल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए नोजल के नीचे लाया जाता है जहां से गिनी हुई कैप्सूल बोतल में गिरती चली जाती है और फिर फैक्ट्री में सारा काम खत्म होने के बाद इन्हें हम तक पहुंचने के लिए मेडिकल शॉप तक भिजवा दिया जाता है। वैसे तो एक शख्स को 250 से 500 mg के बीच ही मछली के तेल की बनने वाली कैप्सूल खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप इसके फायदे से खुश होकर इसे जरूरत से ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि अधिक मात्रा में फिश ऑयल के कैप्सूल खाने से नाक से खून आ सकता है, शरीर में चिकते पड़ सकते हैं, डायरिया, बदहजमी या फिर उल्टी जैसी शिकायत देखने को मिलती है। इसलिए मछली के तेल वाली कैप्सूल को दिन में कितनी मात्रा में और कब खाना है उसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि ये फायदा पहुंचाने वाली चीज आपको नुकसान ना पहुंचाए और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। बाकी दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।